और खबरों की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 12वीं परीक्षा के रिजल्ट घोषित किए जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने रिजल्ट घोषित किए हैं और शिक्षा बोर्ड के सचिव विशाल शर्मा ने ये नतीजे घोषित किए हैं। इसमें 8,139 छात्र असफल रहे हैं और अगर परीक्षा परिणाम देखा जाए तो 79.4% ये परीक्षा परिणाम रहा है। साल 2022 में 93.91% ये परीक्षा परिणाम था। काफी गिरावट इसमें इस बार देखने को मिली है। वहीं इस बार तीनों स्थान पर लड़कियां ही अव्वल रही हैं। ऊना की ओजस्वी उपमन्यु ने बाजी मारी है। ओवरऑल परीक्षा में उन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है। 98.60 अंक हासिल के साथ उन्होंने प्रथम स्थान पर कब्जा जमाया है। वहीं सिरमौर की वृंदा ठाकुर दूसरे नंबर पर रही, उन्होंने 98.4% अंक हासिल किए हैं। ऊना की कनुप्रिया ने तीसरा स्थान हासिल किया है, 98.2% अंक लेकर उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है। और 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणामों में लड़कियों ने इस बार बाजी मारी है। वहीं शिक्षा बोर्ड हिमाचल प्रदेश ने आज 12वीं के नतीजों पर शिक्षा बोर्ड के सचिव मेजर डॉक्टर विशाल शर्मा से खास बातचीत की है। हिमाचल प्रदेश के सैकड़ों छात्रों और उनके अभिभावकों को इंतज़ार था कि उनके बच्चों का जो 12वीं का परीक्षा परिणाम है वो कब आएगा, तो वो इंतज़ार जो है आज ख़त्म हो चुका है क्योंकि शिक्षा बोर्ड ने उस इंतज़ार पर जो है विराम लगा दिया है। आज नतीजे डिक्लेयर कर दिए जा चुके हैं। क्या रहे हैं नतीजे, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के नतीजे इस बार रहे हैं। सर, सबसे पहले तो न्यूज़18 पर आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। कैसे देखते हैं कि नतीजे इस बार थोड़ा जल्दी डिक्लेयर कर दिए गए हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो था यही नतीजे जो थे 18 जून के करीब जो है वो डिक्लेयर किए गए थे, कितना चुनौतीपूर्ण रहा था और कैसे किया सब ये? देखिए, बोर्ड में आजकल टर्म सिस्टम चल रहा है जी। तो टर्म सिस्टम के चलते जो रिजल्ट कंपाइलेशन होता है वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि सबसे पहले टर्म वन का जो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट होता है उसको डिक्लेयर करना पड़ता है और फिर उस रिजल्ट को टर्म वन के रिजल्ट के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है। उसके बाद फिर जो टर्म टू का हमारा रिजल्ट है वो कंपाइल करना पड़ता है, फिर टर्म वन और टर्म टू दोनों का रिजल्ट इकट्ठा करके रिजल्ट निकालना पड़ता है। तो टर्म सिस्टम के चलते ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हमने इस बार जो है टारगेटेड तरीके से काम किया और कंपैरेटिवली हम जल्दी रिजल्ट निकालने में कामयाब रहे। हम यहाँ देख पा रहे हैं सर कि लास्ट ईयर जो रिजल्ट था वो बहुत, हम अगर कहें उस हिसाब से तो वो बहुत बेहतर था। 93.91% यानी कि बिल्कुल 100% के करीब करीब ही था कहीं देखें तो। और इस बार जो है 79-80 तक ये सीमित होकर रह गया है, इसके पीछे क्या वजह है आप मानते हैं सर, क्या लगता है? देखिए, इसके पीछे एक दो वजह हैं जो मुझे लगता है वो हो सकती हैं। एक तो जो इवैल्यूएशन है इस बार, इवैल्यूएशन जो है स्पोर्ट्स सेंटर्स पे की गई है। पिछली बार जो ऐसा नहीं था, पिछली बार इवैल्यूएशन जो है उसके लिए कोई और प्रक्रिया अपनाई गई थी। और दूसरी बात यह है कि इसमें सबसे बड़ा रोल तो अपना जो टीचर्स हैं, जो अभिभावक हैं, जो बच्चे हैं, उन्होंने कितनी मेहनत इसमें की है ये उस पर डिपेंड करता है। बाकी बोर्ड की तरफ से कोई हमने ऐसी कोई नई प्रक्रिया तो अपनाई नहीं थी कि जिसकी वजह से ये रिजल्ट नीचे आया हो जी। अगर सर हम लोग देखें, जब भी रिजल्ट्स आते हैं तो जो 5% रहता है वो कहीं ना कहीं जो है वो सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों के बीच में देखने को मिलता है कि अंतर देखते हैं। इस बार अंतर क्या रहा है, सरकारी स्कूल अव्वल हैं या फिर प्राइवेट स्कूल अव्वल हैं? देखिए, अगर मैं इस बार के मेरिट की बात करूँ तो गवर्नमेंट स्कूल में 12 लड़के मेरिट में हैं और 55 लड़कियाँ मेरिट में हैं। उसी प्रकार से अगर मैं प्राइवेट स्कूलों की बात करूँ तो 9 लड़के मेरिट में हैं और 34 लड़कियां मेरिट में। तो अगर ये आंकड़े देखे जाएं तो इस बार गवर्नमेंट स्कूल्स ने बाजी मारी है। सर, ये जो टर्म वाला जो आजकल कंडीशन चल रही है इस नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत, ये कितना फ़ायदेमंद है स्टूडेंट्स के लिए, या फिर ये फ़ायदेमंद रहती है या इसका जो ड्रॉबैक्स देखने को मिल रहा है क्या है? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक जो सिस्टम होता है उसके अपने फ़ायदे नुकसान तो होते ही हैं। अगर इसके कुछ नुकसान हैं तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन प्रदेश के अंदर बहुत सारे हमारी स्कूल्स ऐसे हैं उन्होंने सरकार को रिप्रेजेंट किया था, और उसके अलावा हमारे शिक्षकों की कई ऐसी संस्थाएं हैं उन्होंने भी सरकार को रिप्रेजेंट किया था। तो सरकार के माध्यम से वो चिट्ठी अब हमें प्राप्त हुई थी और सरकार ने हमारे कमेंट्स उस पर मांगे थे कि हमें टर्म सिस्टम पे चलना है या एनुअल सिस्टम पे चलना है।
तो उसमें जो कमेंट्स हैं वो हमने अपनी तरफ से सरकार को भेजे हैं जी जी। और अब आगे जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उनका इंतज़ार है, जो सरकार के आदेश होंगे बोर्ड उस प्रकार से कार्रवाई करेगा। और जो टॉपर्स की लिस्ट है सर, टॉप 10 में जो है वो कितने करीब बच्चे आए हैं, उसमें अगर बच्चों की बात करें या फिर जो छात्र हैं उनकी बात करें तो कितने कितने रहे होंगे? लिखा तो यही है कि 55 के करीब आए हैं ऑल ओवर जो टॉपर हैं। और आपको जैसे पहले बताया कि जैसे सरकारी स्कूलों में हमारे 12 लड़के जो हैं वो मेरिट में रहे हैं और लड़कियां 55 मेरिट में रही हैं, और प्राइवेट स्कूल्स की अगर मैं बात करता हूं तो 9 लड़के और 34 लड़कियां मेरिट। बच्चों के भविष्य की कुछ आप कामना करना चाहें, उनको कुछ और प्रेरणा देना चाहें, क्योंकि प्लस टू के बाद तो वैसे भी उनकी दशा और दिशा निर्धारित होती है। उन अभिभावकों से भी कई बार जो है वो अभिभावक प्रेशराइज करते हैं बच्चों को कि नहीं अब आपको इस दिशा में जाना चाहिए, उस दिशा में जाना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे उन अभिभावकों को कि बच्चों को किस दिशा में भेजें? देखिए, मैं अभिभावकों से यही कहना चाहूँगा कि आप बच्चे की प्रतिभा को देखें और उसके इंटरेस्ट को देखें, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने नंबर अच्छे लिए हैं लेकिन फिर भी वो किसी ऐसे स्ट्रीम में जाना चाहते हैं जो आर्ट से संबंधित है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनके नंबर चलो थोड़े कम आए हैं लेकिन वो साइंस में जाना चाहते हैं। तो ऐसे में अभिभावकों को चाहिए कि वो बच्चों को सपोर्ट करें, और क्योंकि आगे जाके बच्चे का इंटरेस्ट जिस स्ट्रीम में होगा उसी में वो एक्सेल करेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। तो मेजर विशाल शर्मा ने पूरी तरह से बता दिया है कि आगे भविष्य में बच्चों को क्या कुछ करना है। न्यूज 18 की ओर से भी सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। और जो बच्चे असफल हुए हैं वो ये ना समझें कि वो असफल हो गए हैं, अब उनके लिए आगे की राहें जो हैं वो बहुत कठिन होने वाली हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कहते हैं कि सफलता का जो रास्ता होता है वो भी असफलता से ही होकर गुजरता है, निकलता है। तो आप लोगों को अब हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़ना है, और हो सकता है कि असफलता आपके उज्जवल भविष्य के लिए हुई हो तो आपको उस पर डटकर जो है उसका मुकाबला करना है आगे, और अच्छी परफॉर्मेंस जो आप लोगों को करनी है। धर्मशाला से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। तो आपको बता दें कि 12वीं के बोर्ड के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं और लड़कियों ने इस बार इम्तिहानों में बाजी मारी है। हमारे संवाददाता विचित्र ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव से बातचीत की है और उन्होंने ये कहा है कि बोर्ड ने किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया है। जो बार बार ये कहा जा रहा है कि नतीजों में थोड़ी कमी देखने को मिली है, जो ओवरऑल परिणाम सामने आए हैं उसके प्रतिशत में जो गिरावट देखने को मिली है उसके मद्देनजर जो सवाल किया गया, उन्होंने ये कहा है कि किसी प्रणाली में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया है और कोरोना के बाद से ये माना जा रहा है कि जो बच्चों ने ऑफलाइन एग्जाम दिए हैं उसी का ये नतीजा है कि जिस तरीके से यहाँ पर परीक्षा का ओवरऑल परिणाम देखने को मिला है। त्रिनिशा इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है, आर्ट्स में उन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है और उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। त्रिनिशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 हिमाचल पर, और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेरों बधाइयां। कैसा महसूस कर रही हैं, क्या कहेंगी? पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, और अभी मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ, बहुत ज्यादा खुशी हुई है जो अभी एक्सप्रेस भी नहीं की जा सकती। तनीजा, कितनी मेहनत करनी पड़ी फर्स्ट आने के लिए? मैम बहुत सारी करनी पड़ी, और कोविड के बाद ये पहली बार ऐसा मौका था जब आपने ऑफलाइन एग्जाम्स दिए थे? मैम तो कितना बदलाव देखा आपने? काफी सारा बदलाव था, एकदम से हम ऑनलाइन से ऑफलाइन गए, फिर हम ऑनलाइन से हमें उतना ज्यादा भूल गया था मतलब हम कैसे करते थे, फिर हमें फिर से वैसा लाना पड़ा अपने अंदर मेहनत करने के लिए, डबल एफर्ट करने पड़े। बिल्कुल, डबल एफर्ट्स यहाँ पर तनीजा आपको करने पड़े, और घर वालों में कितनी खुशी है, और इसके अलावा आप क्या कहेंगे किस तरीके से आपने तैयारी की थी, क्योंकि आप भी कह रही हैं कि चैलेंज थोड़ा बड़ा हो गया था कोविड में, एकदम आराम प्रस्ती के साथ पढ़ाई की और फिर एकदम से बोझ पड़ गया, और वो भी 12th का। यस मैम, मैम पहले तो डेली टारगेट सेट करती सुबह उठने के बाद, फिर रात को जब सोने से पहले देखती थी कि कौन कौन से टास्क कंप्लीट हुए हैं, फिर उनको टिक लगाती थी, और जो रहता था फिर अगले दिन के लिए होता था कि वो मुझे इम्प्रूवमेंट लानी है, और ऐसे करते करते फिर ये रूटीन बनता गया, फिर ये रिजल्ट आया।
और सनीजा, घर वालों में कितनी खुशी है, फ्रेंड्स के फोन आ रहे हैं, किस तरीके से अभी माहौल है आपके घर में? बहुत सारी खुशी है अभी यहाँ पर, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, स्कूल वालों को भी, फोन भी आ रहे हैं। बिल्कुल तनीजा, ऐसी एक धारणा है, ऐसा माना जाता है कि साइंस और कॉमर्स के मुकाबले आर्ट्स की पढ़ाई जो है वो थोड़ी सी आसान होती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी, इसको लेकर क्या संदेश देंगी लोगों को? आसान तो कुछ नहीं होता, अपने अपने फील्ड में सभी मुश्किल ही होते हैं, बट मेहनत तो सभी में करनी पड़ती है। बिल्कुल, तो आपने भी पुरजोर मेहनत की और आज जो नतीजा है वो ये है कि आप फर्स्ट आई हैं और आपने पहला स्थान हासिल किया है। बाकी उन एस्पिरेंट्स को क्या कहेंगी तनीजा, क्योंकि ट्वेल्थ क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, असली जो आपको किस स्ट्रीम में जाना है, किस दिशा में जाना है, अपना करियर यहाँ से आपको बिल्ड करना है, उसकी शुरुआत ट्वेल्थ क्लास से ही होती है। यस मैम, मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि जब भी आपने पढ़ना है तो दिल से पढ़ना है, और जब नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, पर जब अपना पढ़ना है तब अपना बेस्ट देना है। और तनीजा, अब इसके आगे का क्या प्लान है, अब क्योंकि कॉलेज सर्च करने होते हैं, फिर अप्लाई करना होता है, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स भी देने होते हैं, उसके लिए किस तरीके की तैयारी है? मैम अभी तो मैंने सीवीटी का एग्जाम दिया है, फिर उसके बाद कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगी बेसिस पर। ठीक है तनीजा, इसके अलावा आप अपने क्लासमेट्स को या फिर आपके जो आस पड़ोस के फ्रेंड्स हैं जिन्होंने जिनका भी ट्वेल्थ का रिजल्ट आया है, अगर आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहें न्यूज 18 के जरिए? सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और ऐसे ही मेहनत करते रहे और हमारा नाम रोशन करते रहे। बिल्कुल तनीजा, तो न्यूज 18 के साथ बातचीत करने के लिए और अपना समय देने के लिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। तो तनीजा शर्मा को आप सुन रहे थे फोन लाइन पर, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी। ट्वेल्थ के एग्जाम में आर्ट्स में उन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जिसमें लड़कियों ने खासतौर पर इस बार बाजी मारी है। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों ही स्ट्रीम्स की अगर बात करें तो तीनों में ही लड़कियों ने बाजी मारी है, प्रथम स्थान पर लड़कियां ही हैं, और इसी के साथ नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। लंबे समय से इन नतीजों का इंतजार हो रहा था और ऐसा माना जा रहा था कि पिछले साल के मुकाबले इस बार नतीजे थोड़े जल्द घोषित किए जाएंगे, और वही देखने को मिला जहां हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। और विचित्र का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी इसी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। विचित्र, पूरे हिमाचल में इस वक्त हलचल मची हुई है क्योंकि ट्वेल्थ के रिजल्ट घोषित किए जा चुके हैं, और इसी के साथ आगे की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है, कॉलेजेस में भी अब सिलसिला शुरू हो जाएगा, बच्चों की लंबी लंबी कतारें हमें वहाँ पर भी देखने को मिलेंगी, और बच्चों के क्योंकि रिजल्ट आए हैं तो अभिभावक और आस पड़ोस के गली मोहल्ले वहाँ पर भी चहल पहल तेज़ होगी। सचिव के साथ भी आपने बात की HP स्कूल शिक्षा बोर्ड की, उन्होंने भी कई महत्वपूर्ण बातें कही। विचित्र, देखिए जैस्मिन, अगर हम लोग भी उन दिनों को याद करें जब ये रिजल्ट्स जो है उस वक्त हमारे भी आ रहे होते थे, तो आज वो कैसा दौर दिन होता था वो, कि जब रिजल्ट्स आ रहे होते थे तो धड़कनें कितनी तेज़ होती थी, चाहे आप टॉपर्स रहें, चाहे आप पास हों, चाहे आप असफल हों या कंपार्टमेंट आए, लेकिन कुल मिलाकर जो है जब ये नतीजे आने के दिन होते थे, और उन दिनों ये वाला दौर नहीं होता था कि तुरंत जो है अभी इमीडिएट जो है वो नतीजे घोषित किए जा रहे हैं और पूरा देश, पूरी दुनिया और पूरा प्रदेश जो है वो सुन रहा है, पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आज से 15-20 साल पहले की मैं बात करूँ तो आज बिल्कुल इमीडिएट सारी चीज़ें हो जाती हैं, तुरंत पता चल जाता है कि भाई रिजल्ट आ गए हैं, और सभी की एक्साइटमेंट, सभी की धड़कनें जो है वो तेज़ हो जाती हैं। जाहिर सी बात है आज हलचल बहुत ज़्यादा है, और हमने तो इनफैक्ट जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उसके बाद जो हमारी वेबसाइट थी उसमें भी जो है वो इतना ट्रैफिक हो गया था कि एक वक्त के लिए तो वो एक ठप ही हो गई थी, ऐसा देखने को मिला। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी ठप हो गई थी, खुद बोर्ड की वेबसाइट भी जो है वो ठप हो गई थी, इस तरह से इतना ट्रैफिक एकदम से हो गया था। जाहिर सी बात है, देखिए इन नतीजों के लिए, इसी पर हम सबका, मेरा,
आपका और इन सभी जितने भी छात्र हैं वो सब इसी प्रोसेस से गुजरते हैं और सभी को ये जो इंटरमीडिएट, ये जो प्लस टू वाले जो एग्ज़ाम होते हैं और इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो सभी की ज़िंदगी में, सभी की ज़िंदगी की दशा और दिशा जो है वो तय करते हैं। तो इसीलिए जो है इसका इंतज़ार लंबे समय से होता है, जो इंतज़ार आज खत्म हो चुका है। आज हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश के उन 1,00,000 हमारे पास जो यहाँ पर 1,05,369 के करीब जो बच्चे थे जिनमें से 343 बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिए थे और जो उनमें से पास हुए हैं और जो पास आउट जो है हमारे पास वो 43,418 का है और जो असफल हुए हैं बच्चे वो हैं 8,139, वो बच्चे असफल हो गए हैं और जो कंपार्टमेंट आई है जिन बच्चों की वो 13,335 के करीब है वो दोबारा से रीअपेयर करके फिर से पास आउट हो भी सकते हैं, मेहनत करेंगे तो। और कुल मिलाकर हम लोग ये देख पा रहे हैं जैस्मिन की जो टॉप, हमेशा हम लोग ये देखते हैं कि टॉप 10 में कौन कौन बच्चे आए हैं, क्या लड़कियां आई हैं या लड़के आए हैं, और आजकल तो सभी की नज़रें जो होती है कि लड़कियां जो हैं वो टॉप पर रह रही हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। लास्ट ईयर भी ऐसा ही था, 2-4 साल पहले भी ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही है। हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं इसके पीछे का कारण क्या, हम इसे कह सकते हैं कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने, हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने ये कदम उठाए हैं लड़कियों की शिक्षा को लेकर, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जागरूकता है, कई तरीके की फैसिलिटी सरकारी स्कूलों में, जो गर्ल्स स्कूल है सरकारी, वहां पर पढ़ने वाली छात्राओं को मुफ्त में किताबें, मुफ्त में जिस तरीके से वर्दी और इस तरीके की उन्हें सुविधाएं वहां पर मुहैया कराई जाती हैं, चाहे मिड डे मील्स की बात की जाए, तो शुरू से ही लड़कियों के लिए जो सरकारी स्कूलों में सुविधाएं हैं और सरकार जो प्रोत्साहित करती है कि लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा स्कूल भेजा जाए, क्या इसका भी असर ये देखने को मिल सकता है या हम कह सकते हैं क्या इसकी वजह ये भी एक कारण है? निश्चित तौर पर देखिए जैस्मिन, बिल्कुल इसे इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि बीते कुछ दशकों से जो है सरकार ने जिस तरह से बेटियों को प्रोत्साहित किया है, बेटियों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि ड्रॉप आउट बहुत था। हमारा साक्षरता अभियान जब चला था उस वक्त देखा गया था कि बेटियाँ जो हैं वो मैट्रिक के बाद जो है वो स्कूल ही नहीं जा पा रही हैं, प्लस टू के लिए स्कूल नहीं जा पा रही हैं। आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगी, ओजस्विनी ऊना से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। ओजस्विनी वही हैं जिन्होंने ओवरऑल परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया है। ओजस्विनी, न्यूज़ 18 हिमाचल पर आपका बहुत स्वागत और बहुत बहुत मुबारकबाद, आप ओवरऑल एग्जामिनेशन में फर्स्ट आई हैं। सबसे पहले तो बताइए कि आपकी कौन सी स्ट्रीम थी और क्या कहेंगी, कैसा महसूस कर रही हैं इस वक्त? ओके, थैंक यू मैम। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी स्ट्रीम जो थी वो साइंस स्ट्रीम थी। हाँ जी, तो ओजस्विनी घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है? यस मैम, बहुत ज्यादा। तो कैसा महसूस कर रही हैं मैम? ये तो मतलब डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, बहुत अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा कहीं ना कहीं पहले बिलीव भी नहीं हो पा रहा है कि सच में ये पॉसिबल हो सका, बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो डेफिनेटली अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एज वेल एज फॉर माई स्कूल एंड ऑल माई पेरेंट्स। बिल्कुल ओजस्विनी, देखिए एक धारणा है क्योंकि आप इतने अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुई हैं, इतने अच्छे नंबरों से आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों को लेकर एक धारणा है लोगों के बीच, लेकिन हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से आप प्रथम आई हैं, आपने पहला स्थान हासिल किया है, क्या जवाब देंगे इसका? मैम, ये तो काफी बड़ा मिथ है कि मतलब गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल काफी कंट्रोवर्शियल इशू है, तो मैं ज्यादा कुछ बोलूंगी नहीं, बट ऐसा है कि अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो आप चाहे कहीं से भी करिए, अगर आप हार्डवर्किंग हैं, आप डेडिकेटेड हैं, आप सेल्फ डिसिप्लिन हैं, आपके पास पेशेंस है, आपके पास प्रिजर्वेंस है और आपके पास यू नो मतलब विल है कि आपको कुछ सीखना है, आपको कुछ करना है, तो डेफिनेटली आप चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़िए, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़िए, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल ओजस्विनी, और काफ़ी डिटर्मिंड आप लग रही हैं जिस तरीके से आप जवाब दे रही हैं, आई एम श्योर कि आप बहुत कॉन्फिडेंट थी और जिस तरीके से आपने पढ़ाई की है वो आपके परिणामों में झलक भी रहा है। ओजस्विनी, कितने घंटे देती थी पढ़ाई को पूरे दिन में? मैम, मैं से अगर आपको बोलूँ तो मैं मिनिमम 8 hours जो थी वो देती ही थी, बाकी मेरी स्ट्रेटेजी ये हुआ करती थी कि मैं डेली के टारगेट सेट करती थी, तो ऐसा होता था कि अगर मेरा टारगेट चाहे 8 में कम्प्लीट, 6 hours में, 10 hours में, जितने में भी कम्प्लीट होता था मैं उसको कम्प्लीट करती थी और मिनिमम अबाउट 8 hours मेरे होते थे पढ़ाई के। बिल्कुल ओजस्विनी, और आगे का क्या प्लान है, अब इंजीनियरिंग में जाना है या फिर डॉक्टरेट में जाना है, आगे किस तरीके से बढ़ेंगी? मैम, अभी तो मैं कुछ ज्यादा बोलूंगी नहीं, मेरा इन दोनों में से कोई ज्यादा प्रेफरेंस है नहीं,
मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहती हूँ, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए मैं परस्यू करना चाहूंगी आगे। बिल्कुल, तो आप देश की सेवा करना चाहेंगी, प्रदेश की सेवा करना चाहेंगी। ओजस्विनी, उन सभी लोगों को आप क्या कहेंगी जो आपके हम उम्र हैं या एस्पिरेंट्स हैं, 11th में हैं और 12th में जाने वाले हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश देंगी, उन बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट करेंगी? मैम, उनको मेरा यही मैसेज है, जितने भी जो भी अलग अलग एग्जाम्स को फेस करने वाले हैं या जो भी अभी 12th में हुए हैं, उन्हीं को मेरा यही मैसेज है कि आप लोग वही जो पैरामीटर्स होते हैं किसी भी सक्सेस को अचीव करने के लिए, जैसे कि सबसे पहले होता है कि आपके माइंड में एम्बिशन होना चाहिए और डेडिकेशन होनी चाहिए उस चीज़ को करने के लिए, और विलिंगनेस होनी चाहिए कि हमें लर्न करना है। आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ऑप्टिमिज्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में बहुत ऐसा मोमेंट आएगा जहाँ पे बीच में आपको प्रिपरेशन के दौरान नेगेटिविटी को फेस करना पड़ेगा। तो ऑप्टिमिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका ऑप्टिमिस्टिक हो जाना इन सारी सिचुएशंस के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और साथ ही में अपने मिस्टेक से आपको कंटिन्यूअसली लर्न करते रहना होता है और आगे बढ़ते रहना होता है। बिल्कुल ओजस्विनी, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप बहुत कॉन्फिडेंट साउंड कर रही हैं और आप इतनी मैच्योर साउंड कर रही हैं कि ये यकीन करना मुश्किल है कि एक 12वीं की बच्ची मेरे साथ बात कर रही है। ओजस्विनी, आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या है, कहाँ से आपको घर में मोटिवेशन मिलता है, और जो ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, जिस ऑप्टिमिज्म की आप बात कर रही हैं, उसका सोर्स क्या है? ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मैं अपनी मदर को मानती हूँ, और मेरी मदर ही हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। और ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं करते हैं, सभी करते हैं, बट ये होता है कि मदर का रोल बहुत ही इरिप्लेसिबल होता है और बहुत ही ज़्यादा, मतलब मदर का इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो फर्स्टली मैं अपनी मदर को आइडल मानती हूँ, और उसी के बाद रही बात, मैंने कभी मैरिट में नहीं सोचा था, मेरा मैरिट में आने का कोई प्लान नहीं था, मैंने कभी भी स्टडीज जो हैं वो अपनी मैरिट को देखकर नहीं की हैं कि मुझे मैरिट में आना था या जो भी करना था। मैंने जस्ट अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए और अपने आप को स्किलफुल बनाने के लिए हमेशा स्टडी किया, हमेशा नॉलेज को गेन करने के लिए पढ़ा है, और हमेशा मैं अभी भी मतलब हमेशा ईगर रहती हूँ कि मुझे बस कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है, और अपने पेरेंट्स को फील प्राउड करवाना है, अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को, अपनी नेशन के लिए सबसे बड़ा अपनी सर्विसेज देनी है। और सबसे ज़्यादा आपको जो इंस्पायर करते रहते हैं डेली, वो आपके टीचर्स होते हैं जिनके साथ आप डेली इंटरेक्ट करते हो। तो मैं अपनी जितनी भी साइंस फैकल्टी है और स्पेशली जो भी मेरी टीचर्स मेरे साथ रहे थ्रू आउट माई प्रेपरेशन, और ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो मेरे टीचर्स थे उन्होंने भी मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, यहाँ तक कि प्रिंसिपल सर, सभी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मेरी प्रेपरेशन के दौरान। उन्होंने मुझे हर टाइम पर मोटिवेट किया और मेरी हर जगह जहाँ पॉसिबल हो सका उन्होंने मेरी हेल्प की है। बिल्कुल ओजस्विनी, क्योंकि हम देख रहे हैं और जिस तरीके से मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जितनी भी टॉपर्स हैं इस वक्त हिमाचल में, जो भी 12th के एग्जाम्स में जो भी बच्चे टॉप कर रहे हैं, उनमें से मैक्सिमम लड़कियां हैं। 50 टॉपर्स की अगर बात करूं तो आउट ऑफ 50, 37 आर द गर्ल्स, दोज हु हैव टॉप द एग्जाम। इसको लेकर आप क्या करेंगे? यस मैम, जस्ट आई वुड लाइक टू से गर्ल पावर, गर्ल्स का आजकल बहुत ज्यादा एम्पावरमेंट हो चुका है। सो आई वुड से कि गर्ल्स ही आजकल हर जगह आप देख, गर्ल्स अपने विंग्स को फैला रही हैं और गर्ल पावर बोल सकते हैं इसको। और बॉयज का पता नहीं क्यों नहीं आता टॉप में नेम, वो मैं नहीं रीजंस जानती, बट फिर भी बहुत सारे रीजंस हैं आजकल। बट गर्ल्स, अब मैं गर्ल हूँ, तीनों गर्ल, मैं तो यही बोलूंगी कि यस, ये एक बहुत अच्छा मूव है इंडिया के लिए कि जहाँ पे गर्ल्स जो हैं वो आगे आ रही हैं और हर फील्ड में अपना जो परचम है वो लहरा रही हैं। बिल्कुल ओजस्विनी, और इसी के साथ आपने जो एक उज्ज्वल भविष्य का सपना देखा है बतौर एक IAS अधिकारी, IPS अधिकारी और बतौर एक एडमिनिस्ट्रेटर, आप इस देश की सेवा करना चाहती हैं, प्रदेश की सेवा करना चाहती हैं, उसके लिए न्यूज़ 18 की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयाँ। ओजस्विनी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। विचित्र, हमारे सहयोगी भी हमें जानकारियाँ दे जाते हैं, विचित्र आपका भी तमाम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अपना हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 GKLH के साथ। नमस्कार।